ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नगाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है हमारे इस आचार्यवाणी चैनल पर और हम आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हैं। मकर राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में समय कैसा रहेगा? देखिए, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च का समय जो है ना, बहुत ही विचित्र प्रकार का है। कई बड़े उत्सव पड़ रहे हैं इस समय में और कई ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है। ये ग्रहों का परिवर्तन आपके साथ कई प्रकार के खेल खेल सकता है, तो समझे आपके लिए समय क्या कुछ खेल खेलने वाला है। हमने आरंभ करना है 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में, बताना है आपको कैसा रहेगा समय। तो देखिए भाई, मगर राशि वालों, आपके लिए 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक का जैसे समय हम बांटे, 1 और 2 मार्च की सबसे पहले बात कर लेते हैं, यह समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी के साथ चलने का है। आप अपने मन को ठीक रखने का प्रयास करें, थोड़ी सी बुद्धि को ठीक रखने का प्रयास करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, पूरे विश्व में हर जगह मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहला प्रथम सुख निरोगी काया, इस बात को समझ लेना चाहिए। सब दिन नहीं होते, सबकी जिंदगी भर बीमार चलते रहे, कुछ समय होते हैं विशेष तौर पर बुद्धि के अनुसार से उस चाल को, ग्रहों की समय की चाल को जो पहचान लेते हैं तो बढ़िया से काम कर सकते हैं। तो कहीं ऐसे नहीं कि जैसे कहीं बारिश हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सावधानी के साथ करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कष्टों को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, चावल का सफ़ेद दूध का दान कर दिया, चावल का ये सफ़ेद चीज़ जो है, सफ़ेद वस्त्र का दान कर दीजिए, दूध का दान कर दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, बच्चे को दे दीजिए, किसी मंदिर में दे दीजिए, देवालय में दे दीजिए। ये उपाय आपको इन दिनों में कष्ट बचा सकता है, तो हमने बता दिया। अननेसेसरी के शत्रु रोग आपको परेशान कर सकते हैं 1 और 2 तारीख को, तो आपको मकर राशि वालों इस फैक्टर से सावधान रहना है। आपके कृत्यों से ऐसा ना हो कि लोगों के मन में आपके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो, लोग आपके प्रति नेगेटिव भाव रखें। वैसे तो ग्रह दिखा रहा है कि आपको बेकार के लोग आपके साथ भिड़ सकते हैं, क्रैश हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान, रोड में गाड़ी चलाते हुए भी थोड़ा सावधान रहें, बेकार हल्की सी बात पे गुस्सा ना हो जाए, कोई चलते हुए बेकार आपसे कुछ भिड़ जाए, तो ये 2 दिन आपको शांति के साथ निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो हम ग्रह गणना के अनुसार से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और 3 तारीख को बात करें तो, क्योंकि ग्रह के चाल के हिसाब से समझना चाहिए, ग्रह 3 तारीख के सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तित कर लेंगे, चंद्रमा परिवर्तित हो कर्क में चले जाएंगे और ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। जब चंद्रमा कर्क में चले जाएंगे तो आपके लिए एक अच्छे योग बनाएंगे और आपको आगे बढ़ने के योग बढ़िया प्रकार से दे सकते हैं। देखिए, इन दिनों ग्रहों का योग बड़ा विचित्र प्रकार का चल रहा है, आपके मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस सूत्र को समझ लीजिए। आपके लिए ग्रहों का योग, इस योग इस प्रकार से रहने वाला है। ये ओवरऑल 10 दिन की बात समझ लीजिए, ये बात तो सूत्र आपके लिए विशेष तौर पर इन दिनों चल रहा है कि यदि आप नेगेटिव मरो की मजारी रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। सबसे पहले तो अपने मन को पॉजिटिव रखने का प्रयास करना है, इस वक्त योग है, नहीं तो आजमा के देख लीजिएगा। एक दिन घर से अच्छा सोच के चले कि सब बढ़िया करने का प्रयास करेंगे, बड़ा अच्छा होगा और बिल्कुल अच्छा होगा। यदि नेगेटिव बात मन में रखे जाएंगे तो नेगेटिव बात ही घटेगी, तो इसलिए सबसे पहले इस बात को रखने का प्रयास कीजिएगा इन 10 दिनों में। एक सूत्र रूप से इस बात को समझ लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा, प्रसन्नता, कुछ भी कष्ट है तो फिर भी अच्छी प्रसन्नता के साथ रखिए बात, नेगेटिव भाव मन में ना रहे, तो देखिएगा परिवर्तन का युग। ये सूत्र है, आपकी चाबी है इन 10 दिनों को शुभ करने की, तो इस बात को समझते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 3 मार्च को चंद्रमा परिवर्तित हो गए, बहुत अच्छी जगह चले जाएंगे, क्योंकि 6ठे से निकलकर आपके पंचम भाव, आपके विशेष तौर पर 7ठे भाव में चले जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी को निखारे करेंगे, आगे बढ़ने के योग बनाएंगे और आपके व्यवसाय में भी, आपकी सही जगहों पर इंट्यूशन आपको बहुत बढ़िया लाभ दे सकता है। ऐसे में ये इंट्यूशन जो होगा, अंदर कुछ भाव को बहुत पहले समझ लेंगे तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो मन में जो बात आ रही है उसको विचार विमर्श, ऐसे ही उसको इग्नोर ना करें, उस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 3 और 4 तो इस प्रकार से निकल सकती हैं, लेकिन 3 तारीख को एक बहुत सुंदर तिथि भी पड़ रही है, 3 तारीख को एकादशी है, तो कोशिश ये करें उस दिन भगवान कृष्ण का अभिषेक कर लें। तो भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हुए कोशिश करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का शुद्ध गंगा जल के द्वारा और साथ साथ पंचामृत के द्वारा थोड़े गंगा जल में
कोशिश करें थोड़ा तुलसी दल डाल लें, थोड़ा केसर डाल लें, थोड़ा चंदन डाल लें और फिर भगवान का सुंदर तरीके से अभिषेक करें और उस चरणामृत को प्रसाद जो कहा जाता है ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विष्णान विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, इसी भाव से रखते हुए भगवान विष्णु का पूजन सुंदर तरीके से उस दिन करने का प्रयास करें। तुलसी दल अवश्य भगवान को अर्पित करें। ये सुंदर उपाय है आपके कष्टों को दूर करने के लिए। समय तो अच्छा चल रहा है, उसका लाभ ले सकते हैं। 5 तारीख से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है भाई। 5 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन शनि हो रहे हैं उदय, शनि चल रहे थे अभी परिवर्तित हुए, और आपके तो वैसे तो अच्छी जगह चल रहे हैं लेकिन आपकी 7.5 भी चल रही है अंतिम भाव में। तो लेकिन ऐसे में जो शनि का योग बना हुआ है अभी कुछ दिन से सूर्य के साथ, सूर्य और शनि आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं, ये परस्पर विरोध करने का ग्रह बना रहे हैं योग, विरोध परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह वहां आ गए हैं द्वितीय भाव में। ये योग जो बना रहे हैं ये परस्पर क्लैश का योग देते हैं। अभी शनि अस्त थे, शक्तिहीन थे, लेकिन 5 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास शनि हो जाएंगे उदय, और ये 10 दिन जो हैं आप समझ लीजिए 5 तारीख के बाद से लेकर 10 तारीख तक जो 15 तारीख का समय रहेगा, इसमें शनि का खेल बड़ा विचित्र हो सकता है। आपको थोड़ा सावधान रहते हुए आपको जिद नहीं करनी है। ये कुटुंब का भाव है आपका द्वितीय भाव, और कुटुंब में शनि चले गए हैं, कुटुंब में विशेष तौर पर जब शनि जाएंगे तो वहां पर अपना विचित्र प्रकार का सूर्य के साथ क्लैश करते हुए चाल और पचाल पे चाल का योग बन सकते हैं। सावधान, क्योंकि 4 ग्रह यहां आपके बड़े विचित्र प्रकार के योग बनाएंगे इन दिनों, परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह। हमने कई बार आपको कॉन्शियस करने का प्रयास भी किया है क्योंकि पिछले 2-15 दिनों से ये योग बना हुआ है। बृहस्पति शनि शुक्र के साथ चल रहे हैं तृतीय भाव में आपके, और शनि जो है सूर्य के साथ आ गए, अस्त थे लेकिन अब हो गए उदय। तो समझ लीजिएगा बड़ी शांति के साथ परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करना है। विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ग्रह योग परस्पर विरोधी बातों को बढ़ाता है, विरोधी राजनीतिक क्लैश, राजनीतिक उठापटक, और साथ साथ विशेष तौर पर 2 पारस्परिक समुदायों के अंदर पत्थरबाजी झगड़ा होने के योग दिखाई देते हैं। तो आप कोशिश करें, आपका संसार आपका घर है, आपका व्यवसाय स्थल है, वहां शांति बनाए रखने का प्रयास करें बुद्धि का उपयोग करते हुए, और नेगेटिव नहीं सोचिएगा। आपकी कुंडली में इस वक्त योग चल रहा है कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव घट जाएगा, तो नेगेटिव नहीं सोचना है, इस बात का ध्यान रखना है और आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। उससे 1 दिन पहले बड़ा शुद्ध, बहुत शुद्ध तिथि है प्रदोष। प्रदोष यानी दोष रहित काल, या अपने दोषों को दूर करने का समय। हर महीने एक प्रदोष, हर 15 दिन बाद प्रदोष का दिन आती, तिथि आती है। वैसे तो हर रोज प्रदोष का समय भी आता है, शाम का समय प्रदोष कल आता है, लेकिन प्रदोष की तिथि पर जाकर यदि भगवान शंकर के समक्ष क्षमा मांग ली जाए और उनकी आराधना कर ली जाए। हम एक स्तोत्र पाठ करते हैं, सौराष्ट्रे समनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, ये 12 ज्योतिर्लिंग का अंत में कहा गया, 7 जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, 7 जन्म में किए हुए पाप जो है वो इन सुबह और शाम इनका स्मरण कर लेने मात्र से क्षय हो जाते हैं। सोचे कितना सुंदर शास्त्र में विधान बताया गया है। तो कोशिश ये करें प्रदोष के दिन जाकर भगवान शिव के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करके उन पर थोड़ा से पत्र पुष्प बिल्वपत्र अर्पित कर दें, तो कैसे कैसा सुंदर योग बनेगा। तो फिर क्या दिक्कत है, इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। ये 4 तारीख को, 4 मार्च को शाम के समय योग रहेगा, तो कोशिश करें थोड़ा समय निकालकर, सब काम चलते रहते हैं, थोड़ा समय निकालकर करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। तो ग्रहों का दृष्टिकोण हमने आपको बताया। 5 मार्च को विशेष तौर पर जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो आपको समझाया कि शनि उदय हो जाएंगे शाम को तो क्या करेंगे आपको भी बता दिया, लेकिन रात्रि में शनि महाराज के साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तित कर लेंगे, 9:30 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और सिंह राशि आपके विशेष तौर पर पड़ती है आपको अब अष्टम भाव में, वो बंधन का योग देती है, आपके दिमाग को जकड़ सकती है। तो आपको थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। शनि वैसे ही सामने परस्पर विरोधी बन रहे हैं, धन आने के योग दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परस्पर विरोधी ग्रह भी बनते दिखाई दे रहे हैं, तो सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। अपने बुद्धि में, परिवार में शांति बनाए रखनी सबसे पहली आवश्यकता है, इस बात को ध्यान रखते हुए काम करना है। और उसके बाद बात करें तो 6 तारीख को सत्यव्रत रहेगा, भगवान सत्यनारायण की उपासना करें। इससे बढ़िया उपाय क्या सकता है, उस दिन तो चंद्रमा का व्रत भी, चंद्रमा का जन्मदिन है, शायद आपको पता ही नहीं होगा, आम तौर पर भारतीय संस्कृति में हमें पता ही नहीं है किस दिन, हमारी संस्कृति में हर चीज का उदय का बताया गया है, फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जन्मदिन होता है। जैसे आपको आपके बर्थडे के दिन विश करता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं, आप आशीर्वाद भी देने का प्रयास करते हैं, चाहे आपका कितनी अच्छी बनती हो ना बनती हो, लेकिन अगर कोई आपको जन्मदिन बधाई दे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें उस दिन चंद्रमा को भी आप विशेष तौर पर हैप्पी बर्थडे टू यू कहने का प्रयास कीजिए, चंद्रमा के लिए थोड़ा सा दूध का दान कर दीजिए, उनका दूध का अर्घ दे दीजिए, देखिए आपके लिए बड़ा शुभ योग बनेगा, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 7 मार्च की रहेगी होली, दहन करने वाली होली रहेगी।
देखिए आपके लिए बड़ा एक अच्छा उपाय बता रहे हैं। हम पूरे वर्ष अपने घर में रहते हैं और पूरे व्यवसाय करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारे लोग अच्छे बुरे हमारे घरों में व्यवसाय में भी आते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों ने इस बात को शोध करने के उपरांत कई प्रकार के उपाय वर्णित किए। तो आप समझें, जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि अपने घर में थोड़े से तिल अपने विभिन्न कमरों में उस दिन एक दो दिन पहले ही एक कटोरी में रखकर थोड़े थोड़े तिल हर कमरे में, हर ऑफिस में, व्यवसाय में, कोने में रख दीजिएगा। और होली वाले दिन, जिस दिन जलाई जाती है शाम के समय, इस बार होली जलेगी शाम के समय, शाम का समय होली का रहेगा जलाने का, तो यानी 7 तारीख की शाम को, क्योंकि भद्रा नहीं है उस दिन, तो प्रदोष काल में जलाना होली का सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो उस दिन क्या कीजिएगा, तो आप विशेष तौर पर उन सब तिलों को एकत्र कर अपने साथ में लेकर आप उनको अग्नि में अर्पित कर दीजिएगा। अपने सिर पे से वार कर, अपने घर में घुमाकर उन सब तिलों को इकट्ठा करें और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान को अर्पित कर दें, होली के महारात्रि में भगवान को अर्पित कर दें। आपके समस्त घर के पूरे वर्ष के जितनी नेगेटिव हैं, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। आप कभी तीन पैर का कछुआ, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सी आज की तारीख में बाजार में कुछ बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ चल गई हैं। हमारा आपके साथ उद्देश्य ये है कि हम आपको हींग लगे ना फिट करें, रंग चौका हो जो घर में चीज़ें उपस्थित हैं। अरे बाहर से कुछ ला के क्या होने वाला है, घर में ही आप उनका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। तो यदि इस कार्य को, उपाय को आप कर लें, तो कहा देखिए आपके बहुत सारे कष्टों को, मैंने कहा ना इस कार्यक्रम के आरंभ में कि बड़े इंपॉर्टेंट दिन है और वर्ष में एक बार आती है होली का महारात्रि, और हमारे यहाँ रात्रि का महत्व है, दीपावली महारात्रि, होली का महारात्रि, शिव महारात्रि। तो इसी प्रकार से प्रकार के मतलब कई कष्टों को दूर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रात्रि है, तो इस दिन ये विशेष तौर पर उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपके कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बन सकता है और आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का योग बने। भगवान ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ग्रहों का योगायोग हमने आपको समझाने का प्रयास किया, तो इनसे थोड़ा सा आपको सावधान भी रहना है। तो सिंह का चंद्रमा आपको थोड़ा सा कष्ट में दे सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक समय नहीं रहेगा, फिर चंद्रमा का परिवर्तन होगा 8 मार्च को सुबह 8:51 पर चंद्रमा परिवर्तित कर कहाँ चले जाएंगे, चंद्रमा परिवर्तित करके आपके भाग्य में आ जाएंगे, और उस दिन तो दुल्हेंडी है, और उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ऐसे में एक काम कर लीजिए, देखिए हम तो उपाय वाला काम ही करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाला उपाय करते हैं, तो आप कोशिश ये करें भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थोड़ा सा गंगा जल लेकर भगवान का उससे अभिषेक कर दीजिए, और उसमें थोड़े से पुष्प डाल दीजिएगा, और थोड़े से पुष्प इत्यादि सुगंधित पुष्प डालकर भगवान का अभिषेक कर उसी जल से खुद भी उसका अपने अभिषेक कर लें, तो देखिएगा भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने, आपके कष्ट दूर करने के योग बने। तो इन 10 दिनों में विशेष प्रकार की सिद्ध समय है, तो ऐसे में कुछ खास उपाय हमने आपको आज बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन छोटे छोटे उपायों को आप करके अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। निर्द्वंद भाव से करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपकी राशि में हमने आपको योग बनाया कि नेगेटिव मत सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे, आपके कष्ट दूर होंगे, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेज को भेज सकते हैं, और यदि कोई भाव है, बात है, तो आप हमें उस पर लिख के भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य दें और आपके जीवन में कल्याण के योग बने। आप सब का स्वागत भी है हमारे विवेकानंद योगाश्रम में, आप आ सकते हैं दिल्ली में। हमारा विवेकानंद योगाश्रम में कई प्रकार के कार्य चलते हैं, और इस बार होली पर हमने विशेष कार्यक्रम भी रखा है, तो आप भी सुंदरकांड रहेगा होली वाले दिन शाम के समय 7 तारीख की शाम को, और उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड में भाग ले सकते हैं, और उस दिन रंगारंग कार्यक्रम रहेगा, होली जलाई जाएगी, प्रसाद इत्यादि का वितरण रहेगा, और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम होता ही है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसमें भी आप सबका स्वागत है। आप आएँ, दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबका स्वागत करता है। माँ भगवती का दर्शन करें मंदिर में, कल्याण होगा। नमस्कार।